कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, तभी एक दिन हमें कॉल आता है। हेलो, हाँ डॉक्टर निकुल बोल रहा हूँ, रियूनियन जीरो बारह बैच की। अच्छा अच्छा हाँ, कब करा रहे हो? 5-6 को करा रहे हो? यार देखो 6 तारीख को मेरा एक इम्पोर्टेंट केस है, मैं आ तो जाऊँगा लेकिन थोड़ा लेट आ पाऊंगा, तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त मुझे मिल जाए, मुझे याद आ रही थी रोहन आदि हिमानी की, और सरकार ने ऑडिमेट सीधा सीधा कॉलेज में जब मैं पहली बार आया मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा एक और परिवार आप हो। ऑडियो में मैं आ तो गया लेकिन अभी भी असमंजस था, मेरे दोस्त मुझे मिलेंगे या नहीं, और ये भी देखने मैं आ चुका था ऐसे नहीं। वो मैं मीट के लिए आया था, तो मीटिंग बस मीटिंग बस मीटिंग बस। हाँ तो अभी मीट चल रही है, खत्म हो रही है मीटिंग बस, अभी कुछ देर पहले ही मीट खत्म हो रही है। अरे यार कोई है भी और? नहीं अभी तो कोई नहीं है, पर आप लंच में लोग बैठ सकते हैं। लंच रहने के लिए फिर लंच तो करके जाइए, लंच की पता और बैठ तो कोई भी नहीं है। नहीं सर रहने के लिए मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं मैं कॉलेज से पूछ लेता ना, चल रहा है मैं चलूँ कॉलेज। नहीं नहीं मैं कॉलेज की एक बार राउंड फिर ये देखने के लिए कि कहीं मेरे दोस्त कोई यादें नहीं छोड़ गए, कहीं कोई लम्हा मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा, और मैं चल गया SNMC की गलियों में सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि कहीं मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, कि कहीं मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर मुझे भी हमारी मुलाकात जहाँ से शुरू हुआ था हमारा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर के बाद पीछे की बेंचों पे तो कुछ और ही होता है। कुछ लोग अपने मोबाइलों में व्यस्त होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए किताबों में लिखित कारीगरी बहुत काम आती है, जैसे दीपा सर जो हमेशा लास्ट बेंच पे किताबों में पढ़ा क्या ये पाए जाते हैं, और SNMC की हर क्लास की दास्तान की तरह यहाँ पर भी एक दास्तान की जो महसूस करेंगे वो भी लड़के। पता नहीं क्यों ये तरकीब था और आज भी है, लड़कियों को देख के फर्स्ट बेंच वालों के मुंह नीचे ही हो जाते हैं। क्लास में और भी बहुत लोग थे जो हमेशा सीखा क्लास खत्म होने में, उनका काम पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उनका काम सिर्फ क्लास में आके सो जाना था।
सुन के डर नहीं था, बॉस लोग भी था। बहुत बेचैनी हो गया।
जरूर गया तो एग्जामिनर हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे।
जब भी आएंगे आपकी कॉपी पे खड़े हो जाएंगे, खूब चिल्लाएंगे और उसके बाद बताइए।
चाहते थे हम जैसे कुछ लोग। Oh, he's a little bit of a
मुझे छोड़। कि जो मलेरिया नहीं है, आज भी मैंने
Will you?
with you? Yes. Thank you.
बोलते हैं जीतते हैं वाली क्या बोलेंगे रुको तो लास्ट बहुत अच्छा ह्यूमर था बहुत बड़ी मेहनत की इन्होंने मैसेज वॉज वेरी क्लियर जो इन्होंने दिखाया उससे हम सब निकले आप भी उसी से निकल रहे हो एंड आई डिक्लेयर कैश प्राइज ऑफ रुपीज 2500 फॉर द टीम ऑफ है ना कोई गहना दाइज के ना माफी अजीत और सचिन चौहान आप भी आए धन्यवाद।